साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का इस लाइव कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो या तमाम नेता, सभी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है उसमें ऐसे ऐसे झोल सामने आ रहे हैं जो आपको, यकीन मानिए, आपको समझ में आएगा, तब लगेगा कि ये लोग जो खेल करते हैं ना, वो आखिर में उसका खुलासा हो ही जाता है। आज मैं दोस्तों राहुल गांधी के जो उद्योगपति मित्र हैं, जी हाँ, बड़े ध्यान से सुनिए, उद्योगपतियों को लेकर राहुल गांधी बड़े खुलासे करते हैं ना, मोदी जी के अंबानी अडानी क्या क्या बोलते हैं, और आपको तो कई बार दिखा चुका हूं। लेकिन आज मैं आपको राहुल गांधी के उद्योगपति दोस्तों के बारे में बताऊंगा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन एक दो नहीं, दर्जनों उन लोगों के बारे में बताऊंगा जो राहुल गांधी के लिए बड़े प्रिय हैं और इसमें वो निवेश करते हैं, और इन कंपनियों की स्थिति क्या है उसके बारे में बताऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना बड़ा आसान है, उनकी आलोचना करना बड़ा आसान है, उनसे नफरत करना भी आसान हो सकता है राहुल गांधी के लिए, लेकिन जब राहुल गांधी खुद अपने गिरेबां में झांकते हैं तब तो तस्वीर कुछ और निकलती है। इसके अलावा आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सुनीता केजरीवाल के खिलाफ लोगों का गुस्सा किस प्रकार से भड़क उठा, क्या किया उन्होंने आखिरकार, ये बताऊंगा। रॉबर्ट वाड्रा की कहानी बताऊंगा कि कहीं वो बगावती मूड में तो नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा, इसकी कहानी बताऊंगा। ममता बनर्जी की सरकार को किस प्रकार से हाई कोर्ट में झटका लगा है, इसकी कहानी भी दिखाऊंगा। तो आपको एक एक करके चीजें बताता हूं। सबसे पहले आप, और मैं लाइव हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे चर्चा भी करूंगा, मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, लेकिन सबसे पहले खबरों से ही शुरुआत करता हूं। आप देखिए इस खबर को, राहुल गांधी ने कल दोस्तों अपना नामांकन दाखिल किया वायनाड से, और वायनाड से किया आज, हालांकि स्मृति ईरानी भी पहुंची जो भाजपा के अध्यक्ष हैं केरल से, उन्होंने आज अपना पर्चा दाखिल किया। तो कई लोग बड़े मस्ती में ये पूछ रहे थे कि अरे स्मृति जी कहीं तो बख्श दीजिए, ऐसा मत कीजिए कि वहां भी जाके आप हरा देंगी, फिर संसद में कौन होगा, कैसे हमारा एंटरटेनमेंट होगा, लोग मजे ले रहे हैं। लेकिन खैर, मजे की बात अभी छोड़ दीजिए दोस्तों, आपको पहले यह खबर दिखाता हूं। राहुल गांधी के पास कैश सिर्फ 55,000, जैसे ही मेरी नजर पड़ी फिर मुझे लगा यार बड़ा कम पैसा है यार 55,000 रुपये, लेकिन फिर लगा कि मोदी जी ने पूरा एकदम से देश भर के लोगों का हिसाब किताब कर दिया है, आपके या हमारे पास भी कितना होगा आप खुद देखिए। लेकिन आगे, म्यूचुअल फंड में करोड़ों का निवेश, जानिए कितनी है संपत्ति। और आपको मैं दो तीन लाइन पढ़कर बताता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केरल की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान राहुल गांधी ने जो चुनावी हलफनामा दिया है उसके मुताबिक उनके पास फिलहाल कैश के तौर पर 55,000 रुपये हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राहुल गांधी की कुल आय 1,02,78,680 रुपये रही थी। 1 करोड़ रुपये, मतलब आप समझिए ना कि 8-9 लाख रुपये पर महीना, प्रति महीना। अब आप, मेरे मन में तो यही सवाल उठ रहा है कि भैया कौन सा काम कर रहे हैं कि 8-9 लाख रुपया कमा ले रहे हैं। अब सोचिए ना, बिना कुछ किए, अब लोकसभा के सदस्य ही तो हैं और क्या हैं, लेकिन 8-9 लाख रुपये कमा रहे हैं। 1,02,78,680 रुपये 2022-23 वित्त वर्ष के दौरान राहुल गांधी की आय रही। अब जरा इसके अंदर जब जाते हैं तो कुछ और जानकारी मिलती है। अभी उद्योगपति मित्रों के बारे में भी बताऊंगा आपको। देखिए, शेयर बाजार में बड़ा निवेश, राहुल गांधी ने
अपने हलफनामे में बताया है कि उनके नाम पर बैंक में 26,25,000 रुपए के डिपॉजिट है। उनका शेयर बाजार में कुल निवेश 4,33,00,000 रुपए का है। राहुल गांधी ने शेयर बाजार में 4,33,00,000 रुपए का निवेश किया है। और म्यूचुअल फंड में भी देखिए, राहुल गांधी का म्यूचुअल फंड में निवेश 3,81,00,000 रुपए का है, जबकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश 15,00,000 रुपए का है करीब। और कांग्रेस नेता के पास 4,20,000 रुपए की ज्वेलरी भी है। अब जैसे ही ये पता चला दोस्तों कि इनका निवेश तो असल में शेयर बाजार में है, म्यूचुअल फंड में है, तब फिर एकदम से मन में इच्छा जगी कि भैया कौन सी कंपनी में निवेश किया है, कहाँ किया है, पता तो चले। इनके मित्र कौन से हैं, ये तो अंबानी अडानी को गाली देते हैं, सरकारी कंपनियों के बारे में ही बोलते हैं कि भेल भेल सब कुछ कि भैया यही मेन है। अब इच्छा हुई कि कहाँ आखिर इन्होंने निवेश किया होगा, आपके मन में भी उठ रहा होगा। तो मैंने फिर सर्च करना शुरू किया तो एक जगह सारी चीजें इकट्ठा आपको दिखाता हूं। और आप देखिए, ट्विटर हैंडल से ही दिखा रहा हूं आपको एक एक आंकड़ा दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से इसमें दिखेगा। आप देखिए, द इलेक्शन एफिडेविट फाइल्ड बाय राहुल गांधी, रियर व्यू लिख रहे हैं जय श्री राम। हरीश जी, आपका कार्य सदैव सराहनीय है, भगवान आपको शक्ति दे, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसा पटेल जी लिख रहे हैं अब तो पक्का वाड्रा लॉन्चिंग चल रही है। और अश्विनी अनु जी लिख रहे हैं आपकी वीडियो और ब्लॉग्स बहुत अच्छा होता है, कीप इट अप भैया। थैंक यू अश्विनी जी, और अभी मैं और चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये बड़े ध्यान से देखिए, इसी में छिपा है राहुल गांधी के उद्योगपति दोस्तों का राज, आपको अभी दिखाता हूं ना, आपका सर चकरा जाए। उद्योगपति कौन है, अब आप सुनिए एक एक करके। और वी विल एनालाइज द ग्रोथ ओवर द पास्ट 10 इयर्स, 2014 से 2024 में इन कंपनियों की ग्रोथ क्या रही, बड़े ध्यान से देखिए। अल्काइल एमीन्स केमिकल लिमिटेड, देख रहे हैं इसको, और इसका ग्रोथ क्या है जानते हैं, 10 साल का बता रहा हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 3,625%। जिस कंपनी में इन सरकार के दौरान इसका ग्रोथ 3,625%, जरा सोच रहा हूं कि क्या अंबानी अडानी की किसी कंपनियों का 25% का ग्रोथ रहा है क्या, जरा चेक कीजिएगा। ये राहुल गांधी के दोस्त हैं। इसके और आगे जाइए, एशियन पेंट 467%। आगे बढ़िए, बजाज फाइनेंस लिमिटेड ग्रोथ 4,028%। और ये वो कंपनियां हैं दोस्तों जिसमें राहुल गांधी ने शेयर लगाए हैं। मैं एक बार सारे पढ़ता हूं, आगे देखिए, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड ग्रोथ 3,510%। चेक कीजिएगा, मैं भी चेक करके बता दूंगा कि क्या अंबानी अडानी की कंपनियों में 3,536% का ग्रोथ हुआ है। ये देखिए, दिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड 443, डॉक्टर लाल पैथलैब्स 215%, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड 434%, एक टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड 3,454%, जीएमएम 469%, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 291%, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फो एज, इन्फोसिस लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, एलटीआई लिमिटेड, मोल्ड टेक लिमिटेड, पता नहीं आपने बहुत सारी कंपनियों का तो नाम ही मैंने नहीं सुना, नेस्ले इंडिया 434%, पिडिलाइट 816%, सुपराजित इंजीनियरिंग लिमिटेड 475%, टाटा कंसल्टेंसी, टाइटन कंपनी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, फिर ये देखिए, एडवर्टाइजिंग लिमिटेड 1276%,
विनाइल केमिकल्स 2101% और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 1007%। ये वो कंपनियां हैं दोस्तों जिसमें राहुल गांधी ने करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया है, करोड़ों रुपयों का। आप सोचिए ये मित्र होंगे राहुल गांधी के, वरना अपना कोई पैसा लगाता है क्या, और वो भी करोड़ों रुपये, और उनको इनकम भी मिल रही होगी। अब एक और ट्वीट आपको दिखाता हूं, ट्वीट से ही कहानियां बताऊंगा, मैं अपनी तरफ से कम बताना चाहता हूं ताकि आपको पूरी लीक पता चले और इसके पीछे की कहानी क्या है ये भी आपको समझ में आए। दोस्तों आप देखिए, ये एज एविडेंट फ्रॉम द डेटा दीज कंपनीज हैव जनरेटेड सिग्निफिकेंट प्रॉफिट परसेंटेज ओवर द लास्ट 10 ईयर्स डिस्पाइट राहुल गांधीज क्लेम दैट कंपनीज आर नॉट परफॉर्मिंग वेल ही हैज इन्वेस्टेड अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ मनी इन देम रिजल्टिंग इन सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स। दिस हाइलाइट्स हिज अपेरेंट लैक ऑफ अवेयरनेस एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स टू द इंडियन पीपल। अब आप सोचिए इस ट्वीट में कितनी बड़ी बात लिखी है। इसमें लिखा गया है दोस्तों कि राहुल गांधी लगातार ये लोगों को भ्रमित करते हैं कि भारत में कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, भारत की कंपनियां बहुत बुरे दौर से गुजर रही हैं, और वो खुद इन कंपनियों में शेयर में पैसे लगाते हैं, खुद लाखों रुपये कमा रहे हैं, करोड़ों रुपये कमा रहे हैं बल्कि कहा जाए, लेकिन दूसरों को भ्रमित कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है दोस्तों। एक और आपको ट्वीट दिखाता हूं, आप देखिए, द वन रिटन एवब द टेबल यंग इंडियन शेयर्स वर्थ 1.9 लाख इज द रियल वेल्थ क्रिएशन, मार्केट वैल्यू ऑफ यंग इंडियन एसेट्स इज 800 करोड़। जानते हैं क्या कह रहे हैं कि यंग इंडिया का जो शेयर वैल्यू 1,90,000 रुपये था, आज उसके पास 800 करोड़ रुपये के शेयर है, 800 करोड़ रुपये के। आप सोचिए इतनी तरक्की हो गई, कहां हुई भैया, किसके राज में हुई है? राहुल गांधी का राज चल रहा है, यह मोदी राज में संभव हुआ है दोस्तों। अंबानी अडानी कहने में तो ये कहते हैं, लेकिन आप देखिए बाकी कंपनियों का क्या हाल है। और देखिए ना जो इसमें न्यूज लगा है, आप देखिए, यंग इंडिया स्टार्टेड विद 5 लाख, नाउ हैज एसेट्स ऑफ 800 करोड़। ये ईडी ने कहा है कि जिसके पास 5 लाख रुपए की संपत्ति 2010 में थी, ऐसा कौन सा जादू चल रहा है कि 800 करोड़ रुपया हो गया उसकी संपत्ति। तो ये खेल भी चल रहा है। और मैं आपको ट्वीट के जरिए पूरी कहानी बता रहा हूं दोस्तों, आप सुनिए और देखिए कि राहुल गांधी के ये जो औद्योगिक धंधे हैं वो कैसे चल रहे हैं, कहां फल फूल रहे हैं। एक और देखिए, एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स राहुल गांधी हैज ओवर रुपीज 8 करोड़ इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, सम इन इक्विटी एंड सम इन MF। लुक्स लाइक व्हेन ही बिलीव्स इन द इंडियन ग्रोथ स्टोरी अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तुषार गुप्ता लिख रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे साफ है कि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी जी के राज में ही इस देश में उद्योग धंधों का विकास संभव है, और तभी मार्केट आगे बढ़ रहा है। आप समझिए आज शेयर बाजार लगातार नित नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, और यही वजह है कि राहुल गांधी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अब इसमें एक और बड़ी मजेदार कहानी है दोस्तों राहुल गांधी में। अक्सर बोलते हैं ना कि प्राइवेट कंपनियों को दे दिया, अंबानी को दे दिया, सरकारी कंपनी को क्यों नहीं दिया, यही बोलते हैं ना। आप सुने होंगे, आपने कही LIC, भेल, इन सब को लेकर कितनी बातें करते हैं। लेकिन अब मजेदार चीज देखिए, इस ट्वीट में आपको दिखाता हूं, राहुल गांधी हैज वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ ब्लू चिप स्टॉक्स फ्रॉम सेक्टर्स सच एज स्पेशलिटी केमिकल्स, पेंट्स, बैंक्स, NBFC, फार्मा, FMCG एंड IT। He has also invested in mutual funds, Pidilite, Bajaj Finance, Asian Paints and HDFC Small Cap, MF are big holdings.
हाउएवर आखिरी लाइन में है खबर, हाउएवर देयर आर नो पीएसयू स्टॉक्स। इसमें लिखा है कि राहुल गांधी ने बहुत ही डाइवर्सिफाइड तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बांटा है, ब्लू चिप कंपनियों में पैसा लगाया है, जिसमें केमिकल, पेंट, बैंक, एनएबीएफसी, फार्मा, तमाम कंपनियों में लगाया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट स्टॉक्स में पैसे नहीं लगाए। कहते हैं ना सब कि सरकारी स्कूल, जैसे केजरीवाल जी और उनकी टीम कहती है ना कि हमने सरकारी स्कूल तो वीआईपी कर दिया, प्राइवेट स्कूलों से लोग छोड़ छोड़ करके यहां आ रहे हैं। अब पूछिएगा कि आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं, तो नहीं जरूरी है क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते, सरकारी स्कूल नंबर वन है, प्राइवेट से भी नंबर वन है। बोलते मोहल्ला क्लिनिक दुनिया का नंबर वन बना दिया, और जब इनकी तबीयत खराब होती है तो ये सर्दी खांसी का भी इलाज कराने नहीं जाते, वहां पे बुलाते भी नहीं है डॉक्टर, वहां से कहां जाते हैं, फाइव स्टार हॉस्पिटल्स में जाते हैं, दिल्ली सरकार के भी अस्पतालों में नहीं जाते, यही सच्चाई है दोस्तों। और इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो राहुल गांधी लगातार प्राइवेट कंपनियों, उद्योगपति होना एक गुनाह बना दिया गया, वो खुद चुपचाप 2500 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी ग्रोथ स्टोरी भी होती है जो अंबानी अडानी से भी ज्यादा है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में इसका खुलासा नहीं करते। अब तो खैर इसका खुलासा भी हो गया और इसीलिए ये दिखाना बड़ा जरूरी था दोस्तों। अब मैं आपको राहुल गांधी के बाद रॉबर्ट वाड्रा की कहानी बताऊं, उससे पहले मैं आपको केजरीवाल की कहानी बताता हूं। आज आम आदमी पार्टी ने क्या हंगामा किया, सुनीता केजरीवाल ने क्या किया, देखकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों। योगिंदर राव जी लिख रहे हैं, हरीश जी आपके राष्ट्रवादी चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप दिन रात बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, भारतीय समाज को जगा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। योगिंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रहलाद कुमार शर्मा जी, सारे चोर एक हो रहे हैं। प्रदीप जी, एक मंद बुद्धि बालिका बालक क्या सही में सच भौंक सकता है। योगीराज साहू, सर जी बहुत जल्दी कांग्रेस मुक्त भारत होगा। अब आपको मैं आज एक दिखाता हूं, आज आम आदमी पार्टी में चिढ़न मच गई, आतिशी मार लेना भड़क उठी, लेकिन इन लोगों ने जो किया और सुनीता केजरीवाल ने जो किया वो भी देखना जरूरी है दोस्तों, और इसीलिए मैं आपको दोनों खबरें दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले। आज आम आदमी पार्टी ने भाजपा की शिकायत की है, आप देखिए सीएम केजरीवाल की किस तस्वीर के इस्तेमाल पर आपको है आपत्ति। बीजेपी की शिकायत लेकर पहुंचे चुनाव आयोग के दफ्तर। मैं खबर पढ़ देता हूं फिर वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। ईडी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल पर लिए गए एक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहर में लगाए गए विज्ञापनों पर आपत्ति जताते हुए संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत की गई। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने बताया कि भाजपा ने कई आपत्तिजनक पोस्टर और होर्डिंग्स शहर में लगाए हैं, जिनमें से कुछ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, दिल्ली में 25 मई को चुनाव होंगे। अब देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूं, भाजपा वालों तक पहुंचाइएगा दोस्तों। मैं तो निवेदन करता हूं कि ये क्या बदमाशी कर रहे हैं और भाजपा नहीं उसका जवाब दे पा रही, ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए भाजपा ने पूरी दिल्ली में लगाए कई आपत्तिजनक पोस्टर्स। आतिशी, दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि भाजपा ने पूरी दिल्ली में कई आपत्तिजनक पोस्टर्स लगाए हैं। हमने और हमारी लीगल टीम ने 6 दिन पहले इन आपत्तिजनक होर्डिंग्स के खिलाफ शिकायत की थी और आज हम सीईओ दिल्ली से मिलकर आए हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि 6 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक भाजपा के आपत्तिजनक पोस्टर्स और होर्डिंग्स पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इसके बाद ये भी देखिए, एक्शन ना होने पर चुनाव आयोग से समय मांगने की बात कही है और आतिशी ने कहा है कि हम समय मांगेंगे ताकि हम अपनी बात को रख सकें। चुनाव आयोग को देश के संविधान में जिम्मेदारी दी गई है, पूरी कहानी है इसमें,
लेकिन अब आपको मैं पोस्टर दिखाता हूं कि वो पोस्टर क्या है। आप देख लीजिए दोस्तों इस पोस्टर को। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ। अब इसमें आपत्तिजनक क्या है, खुद सोचिए भाई। ये तो कार्रवाई हो रही है और इनकी एजेंसियां तो काम कर रही हैं। हम मोदी जी तो गिरफ्तार कर नहीं रहे, ये तो एजेंसियां कर रही हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगहों पर इसके केस भी लड़े जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, अब ये गिरफ्तार होते हैं तो कहते हैं भाजपा ने पकड़ लिया, भाजपा ने पकड़वा दिया। तो अगर ये कहते हैं कि ये पोस्टर आपत्तिजनक है, जिसमें कि केजरीवाल जैसी वेशभूषा, इन लोगों ने तो अपना पेटेंट कर लिया है कि अगर कोई आदमी चश्मे में हो, भले चेहरा दिखे ना दिखे, और ऐसे मफलर बांध ले तो वो केजरीवाल मान लेते हैं, तो बड़ा विचित्र है। और अगर अगर ये कहते हैं कि भाजपा ने गिरफ्तार किया है तो फिर ये पोस्टर सही है कि भाजपा ने ही तो जेल भेजा, और अगर भाजपा ने नहीं भेजा तो फिर भाजपा को भी चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए कि इनके सरगना को ईडी ने गिरफ्तार किया, कोर्ट में उनको जमानत नहीं मिल रही है और ये बोल रहे हैं कि भाजपा ने गिरफ्तार किया है, इनको भी शिकायत करनी चाहिए। ये बात भेजिए, लोगों तक पहुंचाइए, कम से कम भाजपा वाले जैसे को तैसा जवाब तो दें, पता तो चले कि आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और आप संवैधानिक संस्थाओं को डिस्क्रेडिट करने में लगे हैं। यही सच्चाई है दोस्तों। मगर बात आज तो और आगे निकल गई। आज तो इनकी मैडम सुनीता केजरीवाल एक बार फिर से प्रकट हुई हैं। अरविंद केजरीवाल ने जेल से आप विधायकों को दिए खास निर्देश, पत्नी सुनीता ने पढ़ा दिल्ली सीएम का संदेश। कविता बना दी है इन्होंने हेडलाइन में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने गुरुवार 4 अप्रैल को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों को एक संदेश भेजा है। अब मजेदार चीज देखिए दोस्तों, ये लोग इतने इरिटेटिंग हैं, ये लोगों की भावनाओं से किस प्रकार खिलवाड़ करते हैं, समझ से परे है। मुझे तो बड़ा दुख होता है इस तस्वीर को देखकर। लोगों ने जैसे ही देखा सुनीता केजरीवाल को संदेश पढ़ते हुए, ये मुख्यमंत्री बन गई क्या, उसी बैकग्राउंड में बैठ करके ज्ञान बांच रही है, ये शीश महल में, ये मैडम सीएम, सीएम बन चुकी हैं प्रॉक्सी। और क्या किया इन्होंने, अब देखिए बैकग्राउंड की तस्वीर, शहीद भगत सिंह, बाबा साहेब अंबेडकर, और बीच में अपने पति की तस्वीर लगा ली, अरविंद केजरीवाल की। अब तक तो भूताहा कहानियां सुनाते थे ये कि अरविंद केजरीवाल की आत्मा भटकेगी और आपके पास आकर के आपको पुकारेगी, यही कह रही थी ना, आंख बंद कीजिए तो अरविंद केजरीवाल की आत्मा भटकती हुई इधर उधर जाएगी। फिर एक दिन कहती है कि मुझे लगता है ये शहीद हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल आजादी के आंदोलन में लड़ाई लड़ी होगी, शहीद हो गए, अब फिर पुनर्जन्म हुआ है। ये तो अजीबो गरीब भूता कहानियां, बिल्कुल जिसको बोलते हैं एकदम साइकोलॉजिकली कोई जिसका रेलिवेंस ना हो। और आज तो सही में तस्वीर लगा दी बीच में, कहीं माला ना पहना दे, ये तो वैसे भी इनको बोल चुकी हैं कि ये शहीद हो चुके हैं। तो इतना खराब काम किया है, मुझे बहुत दुख होता है कि पंजाब के लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं कि कैसे भगत सिंह का अपमान किया जा रहा है, कैसे बी आर अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में बड़ी लड़ाइयां लड़ी उसके साथ भ्रष्टाचार का सरगना, शराब घोटाले का सरगना, उसकी तस्वीर लगा दी गई है। और इसीलिए लोगों का गुस्सा भड़क उठा दोस्तों। योगिंदर जी लिख रहे हैं, हरीश जी, शहीद भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में भी केजरीवाल का चित्र लगाकर सुनीता केजरीवाल ने कॉन्फ्रेंस की, यह हमारे आजादी के शहीदों का बहुत बड़ा अपमान कर रही हैं।
सुभाष जी लिख रहे हैं, मूर्खों की आदत होती है बार बार गलती करने और झूठ बोलने की। संजय सिंह लिख रहे हैं, हरीश जी नमस्कार, मैं काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूं और देखता हूं कि आप काफ़ी मेहनत करते हैं, भारत की जनता को हमको सच्चाई दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब देखिए, इसी वजह से दोस्तों आज लोगों का गुस्सा भड़क उठा, मगर भारतीय जनता पार्टी एकदम से उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। सुनीता केजरीवाल के वीडियो संदेश में अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे वाली तस्वीर बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह के बीच दिख रही है। आप द्वारा दो विभूतियों के बीच अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। और भाजपा ने क्या कहा, मैं आपको एक दिखा देता हूं। अरविंद कुमार जी कह रहे हैं, राहुल कह रहा है कि अगर बीजेपी जीतेगी तो देश भर में आग लग जाएगी और केजरीवाल खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मैं दिखा चुका हूँ। कपिल मिश्रा का ये ट्वीट देखिए दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के साथ अरविंद केजरीवाल का फोटो लगाना बहुत ही गलत व अपमानजनक है। एक आदमी जो शराब माफिया के केस में आरोपी है, उसकी फोटो बाबा साहेब के समकक्ष लगाना शर्मनाक है। आपका ये अपराध अक्षम्य है, मैं भी मानता हूं दोस्तों, ये एक अक्षम्य अपराध किया है इन लोगों ने, एक ऐसी गलती की है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। कौन सा उदाहरण पेश कर रहे हैं कि आप शराब घोटाले के आरोपी हैं, आप शराब घोटाले में जेल में हैं और आप भगत सिंह बन गए, आप बाबा साहेब अंबेडकर बन गए। जनता सब देख रही है सुनीता केजरीवाल जी, आपको लग रहा होगा कि केजरीवाल के राह में चलकर आप सनसनी पैदा कर रही हैं, लेकिन ये बहुत सुहाना नहीं बनने वाला है, ये नुकसानदायक होगा। जनता को अच्छी तरह से पता है, ये हर आदमी को दुखी करने वाली तस्वीर है। एक और ट्वीट आपको दिखाता हूं, अंकित जैन ये क्या लिखते हैं, यू हैव टू एन एब्सोल्यूट लियोनेटिक टू पुट योर हस्बैंड्स पिक्चर इन बिटवीन लेजेंड्स लाइक भगत सिंह एंड अंबेडकर, केजरीवाल फैमिली इज ए मेंटली अनस्टेबल साइकोपैथ। अब ये ट्वीट मैं पढ़ता नहीं सामान्य रूप से दोस्तों, लेकिन ये केजरीवाल ही है जिन्होंने इतनी गालियां दी प्रधानमंत्री मोदी को, इतनी गालियां दी कि मैं बता नहीं सकता। इन्होंने पीएम को साइकोपैथ भी कहा है, तो इसको अगर लोग कह रहे हैं तो आप सोचिए कि गलत है या सही है। आप बताइए आप भी कि क्या अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भगत सिंह और बाबा साहेब के बीच में घुसाना यह अपमान नहीं है। और मुझे लगता है कोई अगर हमारे लीगल फ्रेटर्निटी से दोस्त हों जो सुन रहे हों, संवाद कर रहे हों, बताइए, मुझे लगता है कि ये गैर कानूनी काम है। जैसे महात्मा गांधी को आप अपमानजनक तरीके से रख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वैसे ही भगत सिंह या बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में केजरीवाल की तस्वीर नहीं लगा सकते। ये सब राष्ट्रीय महत्व के लोग हैं, ये राष्ट्रीय प्रतीक है हमारे लिए, आप इस तरीके से इनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बताइएगा, और मुझे लगता है लोगों को PIL करना चाहिए। मैं तो एक आइडिया दे रहा हूं क्योंकि इस पे कानून है, मुझे पता है, और मैं कभी सर्च करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों। कृष्णा हल्दर जी लिख रहे हैं, हरीश जी अभी भी दिल्ली में जनता जागरूक नहीं होंगे तो दिल्ली में जनता अपना ही नुकसान करेंगे आने वाले समय में। महताब सिंह लिख रहे हैं, हरीश जी आपको मैं बहुत मानता हूं, आप देश हित में बहुत अधिक मेहनत कर रहे हो, आप सच्चे देशभक्त, थैंक यू सर। योगीराज जी, ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनकी संपत्ति को कुर्क करना चाहिए। तो ये कहानी है दोस्तों, और आज हाई कोर्ट में एक बार फिर एक सज्जन याचिका लेकर पहुंचे और ये कहा कि मोदी इसको केजरीवाल को हटाइए सर, माय लॉर्ड कुछ कीजिए, केजरीवाल को हटाइए, ये शराब घोटाले का सरगना ये जेल के भीतर है
और मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ रहा, ये इतना सत्ता लोलुप हो चुका है, सत्ता छोड़ नहीं सकता। इसको पता है कि जैसे ही कुर्सी जाएगी शीश महल से बाहर धकेल दिए जाएंगे, शीश महल खाली करना पड़ेगा। इन लोगों को आदत हो चुकी है शीश महल की, ये कहां जाएंगे, किस बाथरूम को यूज करेंगे, कहां जाकर सोएंगे, ये लाखों करोड़ों के पर्दे, पलंग और तमाम ऐशो आराम की सुविधा, हर कमरे में एयर कंडीशन भरा हुआ है, नौकर चाकर कहां मिलेगा। तो इसीलिए ये छोड़ नहीं रहे। आज हाई कोर्ट में पहुंचे और आपको मैं पढ़कर दिखाता हूं, हाई कोर्ट ने बड़ी बात कही दोस्तों। पहले तो इस खबर को देखिए, राष्ट्रपति और उपराज्यपाल के पास जाएं, केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज। मैं थोड़ा पढ़कर सुनाता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यह संवैधानिक प्रक्रिया का मामला है, इसमें कोर्ट की भूमिका बेहद सीमित है। ऐसा कहकर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा, आपको इसके लिए राष्ट्रपति या उपराज्यपाल के पास जाना चाहिए। इस तरह से पीठ ने हिंदू सेना की याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। लेकिन हाईकोर्ट को भी बात तो समझ में आ रही है, हाईकोर्ट को पता है, जैसे कहते हैं ना कि इनकम टैक्स क्या देना है, ये तो इतनी सी किताब है, लेकिन इनकम टैक्स में बचत कैसे करनी है, लोग मुझे बताते हैं, वो इतनी मोटी मोटी किताब है। तो वैसे ही संविधान तो हम सब के लिए पवित्र चीज है, लेकिन संविधान के भीतर कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं, ये केजरीवाल को पता है, ये केजरीवाल पोथा है इसका, कैसे संविधान को तहस नहस कर सकते हैं और संवैधानिक सिस्टम में ही रह करके। और इसीलिए कोर्ट ने एक नसीहत दी है दोस्तों, केजरीवाल को सीएम पद से हटाने से एचसी का इनकार पर दे डाली एक नसीहत। मैं पढ़कर सुनाता हूं। प्रमोद मलिक जी लिख रहे हैं, हरीश जी ये सुनीता मैडम आखिर चाहती क्या है, केजरीवाल का फोटो कहां लगा दिया सुनीता मैम पर, इसे लेकर सर टेक भ्रष्ट, आपकी भाषा नहीं समझ में आ रही है सर। उदय भान राव, खेचड़ी और उसका परिवार, पार्टी जितने भी लोग हैं वे सब इतने डॉट डॉट हैं कि उससे नीचे उन्हें गिरा नहीं सकते, उसके नीचे उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी है। फिर राजकुमार जी लिख रहे हैं, हरीश जी लगता है कि दिल्ली के लोग बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। मैं इस रिपोर्ट को पढ़ता हूं दोस्तों, जो आपको दिखा रहा हूं कि हाईकोर्ट ने कितनी बड़ी नसीहत दी है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह केजरीवाल का व्यक्तिगत फैसला होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना चाहिए या नहीं। कोर्ट ने केजरीवाल पर फैसला छोड़ते हुए यह भी नसीहत दी, कभी कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्र हित के अधीन रखना पड़ता है। ये बता रहे हैं कोर्ट के लोग, जस्टिस बता रहे हैं, कोर्ट बता रही है दोस्तों, हाईकोर्ट, कि भैया कभी कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्र हित के नीचे रखना चाहिए। मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपको गलत तरीके से फंसाया गया है, तो जब आप बेदाग होंगे तो आप फिर आ जाइएगा, लेकिन आप जैसे कहते हैं ना, नीचे गिरने की भी एक सीमा होती है, उन सारी सीमा, वो सारी सीमाएं जहां खत्म हो जाती है वहां तो केजरीवाल शुरू होते हैं, तो आप कैसे इनको बताएंगे, क्या करेंगे, आप खुद सोचिए। मतलब एक सीमा होती है, उस सीमा से तो ऊपर है वो, और वो चाह ही रहे हैं कि जैसे ही शीश महल से निकलेंगे ये सारे भूखे नंगे होकर बाहर खड़े हो जाएंगे, बताएंगे कि देखो हमको निकाल दिया जी, अब आपको भी निकालेंगे, यही बोलेंगे। हालांकि लोग बोल रहे हैं कि फ्री का, मुफ्त का बिजली पानी तो तोड़ने ही तो गए हैं जेल वो, और सबको ले जाएंगे, लेकिन ये कहानी है दोस्तों। एक और खबर आपको साथ के साथ दिखाता चलता हूं। केजरीवाल की सुरक्षा में बदलाव किया गया है दोस्तों, और पहरा तो सख्त कर दिया गया है, लेकिन इनके गार्ड को बदल दिया गया है।
ऐसा इसलिए किया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि किससे सेटिंग कर लें, तो कहीं भी कर सकते हैं, तो इसलिए किया गया। देखिए मैं थोड़ा पढ़कर सुना देता हूं। तिहाड़ जेल नंबर 2 में केजरीवाल की सेल के बाहर 2 वार्डर तैनात हैं, 2 अन्य उनकी सेल के रास्ते में एक छोटे गार्डन के पास तैनात हैं। चारों सुरक्षाकर्मी बिना हथियारों के उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, जिन्हें जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है। इस मामले से अवगत एक अधिकारी ने कहा, वार्डरों को बदल दिया जाएगा और उनके स्थान पर गुरुवार को नए गार्ड तैनात किए जाएंगे। मतलब गुरुवार आज है, कर दिए गए होंगे, इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसा 2 कारणों से किया जाता है। एक, ये सुनिश्चित करना कि सीएम की सुरक्षा में कोई ढिलाई ना हो। अब उनकी सुरक्षा में क्या परेशानी होगी, आप खुद सोचिए। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि गार्ड उनसे परिचित ना हो और जेल मैनुअल के नियमों का उल्लंघन ना करें। प्रदीप कुमार लिख रहे हैं, कुछ लोग सरकारी लुटेरों को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, उन्हें देश, समाज, धर्म, संस्कृति से मतलब नहीं, सिर्फ लूट कर रहे लोग टुकड़े डाल दें। जगदीश जी लिख रहे हैं, उज्जवल जी का सुनीता केजरीवाल के लिए हीरो हो सकता है लेकिन देश के लिए खतरनाक है। जिस दिन NIA उठा के ले जाए उसी दिन पता चल जाएगा। आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं, ये देखिए थोड़ा कविता का भी मामला आपको दिखा देता हूं, ताकि सारी चीजें पता चल सके। शराब घोटाले का मामला है तो पता चले कि क्या कुछ हो रहा है, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं। के कविता ने PMLA के तहत महिलाओं को छूट का हवाला देते हुए एक्साइज पॉलिसी मामले में अंतरिम जमानत मांगी, ED ने विरोध किया। कल मैंने आपको सुनाया था कि कैसे हाई कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने यह दलील दी कि भैया चुनाव है, इनको छोड़ दो, इन्होंने कुछ किया नहीं, ये पार्टी के मुखिया हैं। और उसके बाद ED ने क्या क्या दलील दी थी, और आज देखिए एक और दलील सामने आ गई कि कविता के मामले में गजब गजब दलील दी गई है दोस्तों। और वही अभिषेक मनु सिंघवी, मैं पढ़कर सुनाता हूं, आप दलील सुनिए, आप भी अपनी राय दीजिए। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दिल्ली शराब घोटाले में BRS नेता कविता और ED की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि उन्हें PMLA की धारा 45 के प्रावधानों के तहत जमानत का लाभ मिलना चाहिए। प्रावधान कठोर शर्तों के बावजूद महिला अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए अदालत को विवेकाधिकार प्रदान करता है, जिन्हें अन्यथा PMLA के तहत जमानत के लिए पूरा करना आवश्यक है। अब देखिए क्या बताया, ये सुनिए। उन्होंने ये भी बताया कि कविता के बेटे को उसकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी कि क्योंकि वो इस समय अपनी परीक्षा दे रहा है। अब भ्रष्टाचार करते समय ये क्यों नहीं सोचा कि बेटे का एग्जाम कैसे होगा, माने बेटा परीक्षा दे रहा है तो इनको भ्रष्टाचार के मामले में छूट दे दी जाए। देखिए ना, एक तरफ तो चुनाव का हवाला दिया, चुनाव है जी छोड़ दीजिए, भले भ्रष्टाचारी हो। ED ने कहा कि ये जाके क्राइम कर दे, हत्या कर दे, आतंकवादी हरकत कर दे, अब बोलेंगे कि जी मेरे को चुनाव लड़ना है, छोड़ दो। अब इनको दलील ये दे रहे हैं कि इनके बेटे की परीक्षा है, इसलिए भ्रष्टाचार वाला मामला में अभी छोड़ दो। आगे देखिए, ED ने दोनों मामलों में जमानत का विरोध किया, क्या कहा सुनिए। ED की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि PMLA की धारा 45 के प्रावधानों के तहत महिलाओं को छूट उन महिलाओं के लिए जिनके पास एजेंसी की कमी है। उन्होंने कहा, ये उस महिला के लिए नहीं है जो सार्वजनिक जीवन में है और राज्य की अग्रणी राजनेता है। अच्छा, ED ने पूरा हिसाब किताब लगा लिया है कविता के बारे में। कहते हैं, कविता के बेटे की परीक्षा के बारे में कहा गया है कि 12 में से 7 परीक्षाएं पहले ही खत्म हो चुकी हैं और उनका समर्थन करने के लिए उनके पिता और भाई भी हैं। सुनवाई के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 8 अप्रैल को फैसला सुनाएगा।
ये भी देखिए, ये भी रिपोर्ट आज तक की, बेटे के एग्जाम है, जमानत दे दीजिए, बीआरएस नेता कविता की अर्जी पर सोमवार को फैसला। मैं एक और रिपोर्ट पढ़ देता हूं। कविता के वकील की दलीलों का विरोध करते हुए ईडी ने कोर्ट में कहा कि शराब घोटाला मामले में 2 से 3 गवाहों को अपना बयान बदलने के लिए दबाव बनाया गया, जिनमें से 1-2 लोगों पर दबाव बनाने में वो सफल भी हो चुकी है। देखिए कितना गंभीर मामला है कि के कविता गवाहों को बदल दे रही है दबाव डाल करके, और उसमें एकाध बदल भी चुके हैं। ईडी ने कहा कि तीसरा व्यक्ति हमारे पास आया और कहा कि उस पर दबाव डाला जा रहा है, सबूतों को नष्ट किया जा रहा है, लेकिन बेटे का एग्जाम है तो इनको छोड़ दीजिए। तो ये कहानी है दोस्तों, और ऐसा ही मामला बंगाल में भी है। मैं बताता हूं, लेकिन एकाध कमेंट। विष्णु दत्त शर्मा, केजरीवाल ना हुआ रावण हो गया, गवर्नर को चाहिए तमाशा ना करे, उठकर विधानसभा भंग कर दें और गवर्नर रूल लगा दें। देखिए यही तो वो चाहते हैं। रमेश कुमार अवस्थी, देश विरोधी कार्य करने के लिए पन्नू से पैसे लेने और संबंध रखने के कारण देश की सुरक्षा खतरे में। सनातनी जी लिख रहे हैं, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। बिल्कुल। अब आपको मैं थोड़ा सा दोस्तों बंगाल की कहानी दिखाता हूं, और प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा की सिर्फ एक एक कहानी दिखाता हूं। ये देखिए, शर्मनाक, इसके लिए 100% बंगाल सरकार जिम्मेदार, संदेश खाली की सच्चाई जान भड़का कोलकाता हाईकोर्ट। जानते आज क्या हुआ? कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई और ममता सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई गई। इस मामले को बेहद शर्मनाक बताते हुए अदालत ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि अगर किसी नागरिक की सुरक्षा खतरे में है तो यह राज्य सरकार की 100% जिम्मेदारी है। यह कोलकाता हाईकोर्ट ने बताया दोस्तों। हाईकोर्ट ने कहा कि संदेश खाली में जो हुआ, कोट अनकोट में बोल रहा हूं, वो बेहद शर्मनाक है। संदेश खाली में जो हुआ उसके लिए पूरा जिला प्रशासन और सत्तारूढ़ दल नैतिक जिम्मेदारी लेता है। यदि किसी नागरिक की सुरक्षा खतरे में है तो 100% जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की है, सरकार जिम्मेदार है। यह हाईकोर्ट ने कहा, और अगर चुनाव के समय कहा जा रहा है तो आप सोचिए कितना गंभीर है यह मामला। इसको छुपाने के लिए ममता सरकार ने क्या कुछ नहीं किया दोस्तों। आखिर में जाकर मानती है सरकार कि हां यह हुआ और शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया, वरना यह तो मानने को ही तैयार नहीं थी कि हमने कुछ किया है, झूठ बोलती रही सरकार। और कोलकाता हाईकोर्ट ने इतनी सख्ती दिखाई, इतना सख्त रुख दिखाया, और हाईकोर्ट के जस्टिस के साथ क्या कुछ हुआ यह भी मैं आपको दिखा चुका हूं। और एक जस्टिस को तो आखिर में इस्तीफा देना पड़ा, छोड़कर आना पड़ा कि ठीक है भैया, तुम पॉलिटिकल लड़ाई चाहते हो वही करेंगे, छोड़ दो, छोड़ के आना पड़ा। ये स्थिति है दोस्तों। और तब जाकर आज भी कोलकाता हाईकोर्ट को ये कमेंट पास करने पड़े। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज रैली की बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं आखिर में दोस्तों एक खबर ये दिखाता हूं, एएनआई की है। इसमें रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान है। मैं वीडियो तो कतई नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन मैं आपको एक फ्रेम दिखा रहा हूं, इसमें क्या लिखा है और क्या कहा गया, आप सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे कि कहीं रॉबर्ट वाड्रा भी बागी तेवर तो नहीं अपना रहे। वैसे ही कांग्रेस से लोगों की चला चली की बेला है, सब छोड़ के जा रहे हैं, और जो भी छोड़ते हैं ना उसको बोलते हैं तो छोटा नेता है, छोट भैया नेता था। और रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहा है मैं आपको कोट अनकोट में सुना रहा हूं, मैंने लिखा है, ये बयान नहीं सुना सकता, अब आप सुनिए। मैं हमेशा चाहता हूं कि प्रियंका पहले अपने सांसद बने और वो पार्लियामेंट में आए, तब मुझे लग रहा है कि उसके बाद मैं भी आ सकता हूं, पर मुझे लग रहा है कि फिर भी कि मैं अपनी मेहनत से बनूं और जरूर सोनिया जी की ब्लेसिंग से और कांग्रेस पार्टी की ब्लेसिंग से ये सांसद बनना चाहता है। पर मैं ये भी कहूंगा कि क्योंकि मैं इतने समय से काफ़ी लोगों से मिलता हूं और उसमें अलग अलग सांसद होते हैं दूसरी पार्टियों से, तो वहां से जब मैं मिलता हूं उनसे तो वो प्रेम से भी बोलते हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए,
और इतना समय क्यों लगा रहे हैं? आपको हम ही आगे भारी बहुमत से जिताएंगे। ये दूसरी पार्टियों के लिए बोल रहे हैं, ये हालत हो गई, पता है जीत ही नहीं पाएंगे। और तो खाली ये ही नहीं है कि अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगहों से भारत में, देश में, मतलब कि मेरे लिए पुकार आ रही है, अलग अलग पार्टियों से भी आ रही है कि आप हमारी तरफ से आ जाइए और हम जरूर आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरी दोस्ती हर एवब द पार्टी लाइन काफी लोगों से है। ये कांग्रेस को धमका रहे हैं कि क्या कर रहे हैं पता नहीं, जो देखते हैं कि मेरे मेहनत को समझते हैं और हर रोज जो मेरी परेशानी झेलनी पड़ती है उसको भी समझते हैं, और उनको भी लगता है कि अगर आप संसद में होंगे तो अपने नाम जो आप जवाब देते हो बड़े पैमाने पर दे पाओगे, और अपने जो काम कर रहे हो उससे भी बड़े पैमाने पर काम हो पाएगा अगर आप संसद में होते हो। तो काफ़ी पुकारे हैं, काफ़ी जोर है, पर मेरी सोच है अभी मेहनत करने की और लोगों के बीच में रहने की और मेहनत करने की, और सही समय पर आने पर ज़रूर मैं भाग लूँगा। ये रॉबर्ट वाड्रा हैं, ये मैंने आपको कोट अनकोट में बयान सुनाया दोस्त, जो ये बोल रहे हैं। इनको बड़ी जबरदस्त इच्छा हो रही है कि संसद में जाएं। अब प्रियंका वाड्रा जा नहीं रही, पता ही नहीं कि कहां से जीत पाएंगी। प्रियंका वाड्रा थोड़ी ना दूसरी पार्टी से लड़ेंगी। एक भी सीट बता दीजिए दोस्तों देश भर में जहां से गांधी परिवार जीत कर आ जाए। इतनी बुरी और बदतर स्थिति हो चुकी है, आप सोचिए। सोनिया गांधी को सांसद बने रहने की प्रबल इच्छा है, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ी, पता है वो हार जाएंगी। राहुल गांधी को सांसद बनने की इच्छा है, लेकिन वो ऐसी किसी भी सीट का चुनाव नहीं कर पाए जहां इस देश की बहुसंख्यक आबादी बहुसंख्यक भी हो। वायनाड में तो अल्पसंख्यक आबादी बहुसंख्यक है, तो ये स्थिति क्यों आई? प्रियंका वाड्रा किसी सीट से जीत नहीं सकती, और रॉबर्ट वाड्रा की स्थिति आप समझिए, तो ये धमकी भी दे रहे हैं कि या तो राज्यसभा सांसद बनाओ या मैं किसी पार्टी में चला जाऊंगा। अब किसी भी पार्टी में जाऊंगा, जो माहौल होगा जीत जाऊंगा, आप सोचिए। तो ये धमकी है दोस्तों, और इसीलिए मैंने सारी चीज़ें, आज मैंने थोड़ा बदलाव भी किया दोस्तों, कि बहुत सारी कहानियां आपको एक साथ दिखा सकूं, ताकि सिर्फ एक कहानियों में आप फंसे ना रहें और हर मुद्दे को डिकोड कर सकूं, जो मैंने प्रयास किया, बड़ी मेहनत की। आपसे विनती करता हूं दोस्तों कि आप अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं लाइव हूँ तो ज़रा आपसे संवाद भी कर लेता हूँ। और हाँ, HB मेलोडी में कल एक नया गीत अपलोड करूंगा, बहुत ही अच्छा गीत है, बहुत ही बेहतरीन गीत है गरीबी उन्मूलन पर, तो वो गीत ज़रूर देखिएगा। जन जन से जुड़े हैं मोदी, ये थीम है, और देखिएगा हमने कितनी मेहनत की है। मैं लाइव हूँ तो ज़रा आपसे संवाद भी कर लेता हूँ। हिमा सिंह जी, जय सियाराम, आशीष जी, मनोज सचदेवा जी, किशोर शर्मा जी, योगेंद्र राव जी, अश्विनी अनु जी, आप बीबी जी क्या नाम रखा है, मैती वाया जी, रामेश्वर जी, कीरिट पटेल जी, हंसा पटेल जी, अश्विनी अनु जी, रमा शंकर जी, सबको जय सियाराम, ललित पांडे जी, एक्स क्रिश्चियन पापा जी क्या नाम रखा है, त्रिशा जी, लता व्यास जी, मारुति सैबल जी, किरण कुमार जी, फन त्रिशा जी, सबको नमस्ते करता हूँ। प्रहलाद कुमार शर्मा जी, दाना राम यादव जी, आपको भी जय सिया राम। शिकाहा सेन जी, आपको भी जय सिया राम। प्रदीप कुमार जी, योगीराज साहू, भरत पटेल, PSU बैंकों और सरकारी उद्योग के शेयर लाइफ टाइम हाई से ज़्यादा ऊपर जाएंगे। हिंदुस्तान कॉपर, भेल, ONGC, PNB, SBI, कैनेडा बैंक स्टॉक लेके बैठे रहे, यह सब स्टॉक मेरे पास है। भरत पटेल जी कह रहे हैं अपन भी खरीद लें क्या, बताइएगा भरत पटेल जी। नीरा मलहन जी, सॉ ए पिक्चर ऑफ जीजाजी न्यू हाउस इन शिमला। विजय कुमार मिश्रा जी, और नीचे जाता हूँ, कृष्णा हल्दर जी, संजय सिंह जी नमस्ते, आपको भी। अरविंद कुमार जी, लाल चंद शर्मा जी,
मैं जितने लोगों के साथ संवाद कर सकता हूं मैं कर रहा हूं दोस्तों। संजय मुदगल जी, डेली पीपल वांट फ्री, दे नेवर थिंक अबाउट इंडिया। नहीं, ऐसा नहीं है मुदगल साहब, देखिएगा इस बार तो लोकसभा में लोग वोटिंग सोच समझ के करते हैं। प्रमोद मलिक जी, हरीश जी, सुनीता मैडम आखिर चाहती क्या है, ये पढ़ चुका हूँ मैं। रवि हजन जी, शेम ऑन सुनीता लिख रहे हैं। क्रिएटिव आइडिया जी, आपका विश्लेषण बेहद रोचक था, इसके लिए धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद क्रिएटिव आइडिया जी। हिंदू सनातनी जी ने कुछ कमेंट किए, जय सिया राम आपको। हीरानंद जी, आपको भी प्रणाम। चावड़ा हनु भाई जी, जय सिया राम। भवेश झा, पटना से भवेश झा जी भी आपको नमस्कार करता है। मैं भी आपको भवेश झा जी, हरीश बंडवाल नमस्कार करता हूं। मधुरिका गुप्ता जी लिखती हैं, सभी हिंदू अपने वोट का उपयोग करें। बिल्कुल सबको ही करना चाहिए, सारे धर्म के लोग करें और ये जरूर वोटिंग करते समय सोचें कि उनको क्या लाभ मिला है, सरकार ने कोई लाभ दिया है या नहीं दिया है, कौन काम कर रही है सरकार, किस सरकार में काम ज्यादा होता है, ये सोच करके हर जाति धर्म के लोग वोट करें। उदय भान राव, हरीश जी सुनीता को पीछे छोड़ देगी, सुनीता केजरीवाल को पीछे छोड़ देगी और घोटाले का नया कीर्तिमान बनाएगी और दिल्ली पंजाब वालों का ऐसा बाजा बजाएगी कि ये लोग सालों तक रोएंगे। ओजस आयुर्वेदा सर, आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू ओजस आयुर्वेदा जी। योगिंदर राव, मधुलिका जी, आपको भी जय सियाराम। चलिए आप लोग भी बातचीत कर रहे हैं तो और अच्छा लगता है। दरअसल ये संवाद एक तरफा नहीं होना चाहिए दोस्तों, हर तरफ से होना चाहिए। तो आप मुझे ये भी सुझाव दे सकते हैं कि इस सेशन को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए, मैं तो चाहता हूं कि आपकी तरफ से भी कोई आए और बताएं कि हम भी भागीदारी रखें अपनी, कैसे ये संभव है इस तकनीक के दौर में, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके वीडियो छोटे छोटे हम ले सकें, तो ऐसा आप कर सकते हैं। देखिए इसमें एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरी टीम अगर दिखा सके, ये जो नंबर आपके सामने है इस नंबर पर आप चाहें तो छोटे छोटे वीडियो एक एक मिनट के बना करके आप डालिए, आप भेजिए, मैं उस वीडियो को भी उसमें कोशिश कीजिएगा कि कुछ नयापन आप लेकर के आए। आप ये भेजिएगा कि आपने मेरे लिए भेजा है इस चैनल पर दिखाने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके वीडियो भी लोगों तक पहुंचाऊं। आप कुछ नई पहल कर सकते हैं, कोई नई बात दे सकते हैं, कुछ नई सोच दे सकते हैं, और चूंकि मैं दिखा रहा हूं तो मैं कोशिश ये रखता हूं कि हर चीज़ मर्यादा में हो, भाषाई संतुलन ना खोए। तो एक नई पहल हम कर सकते हैं कि आप बनाइए वीडियो छोटे छोटे, 30 सेकेंड, 1 मिनट के, और हम शेयर करें, लोगों को बताएं कि आप क्या सोचते हैं। तो एक ऐसा भी इंटरैक्टिव पहल कर सकते हैं। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बात रखिए, हो सकता है संवाद में आपको जवाब देने में टाइम लगे, लेकिन ज़रूर जवाब देता हूं मैं, ज़रूर कोशिश करता हूं, मेरी टीम जवाब देती है। तो आप हमारे साथ संपर्क में बने रहें दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए, मेरा चैनल है व्हाट्सएप चैनल, उससे जुड़िए, और HB शॉर्ट्स और HB मेलोडी दोनों चैनल से अपना एक संबंध बनाइए, अगर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं सारे कमेंट पढ़ूँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद, जय सियाराम।